मैंने आपको पकड़ लिया। हमारे दोनों पैर जमीन पे थे। ब्रो, मैंने गिरने से पहले आपको पकड़ लिया था। एक पैर पे ऐसे करना पड़ता है, एक पैर पे ऐसे करना पड़ता है। एक ही पैर पे था जब ब्रो, श्वेता से पूछ लो। ठीक है श्वेता, बताओ कौन सही है? कौन सही है कौन गलत है छोड़ो भैया, ये गेम कितना सही है, मुझे तो बड़ा मजा आया। इज दिस अ न्यू गेम? ये गेम हम बचपन में खेलते थे, बहुत पुरानी गेम है। एंड यू नो व्हाट, अब क्या बताऊं यार, भूल जाओ यार। क्यों भूल जाओ, इतना अच्छा गेम है। अगर इस गेम में डिनर कोई एक प्लेयर को पकड़ लेता है तो दोनों टीम अप करके दूसरे प्लेयर्स को भी पकड़ सकते हैं। वाओ, क्या हुआ सिमरन भैया, आइडिया अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, तुम्हारे आइडिया ने मुझे एक दूसरा आइडिया दे दिया। क्या? कि क्यों ना हम पुरानी चीजों को दे दे एक नया क्रिएटिव ट्विस्ट, गिव इट न्यू लाइफ। दैट्स ब्रिलियंट। तो पुराने चीजों और नए आइडियाज के साथ चलते हैं इस मस्ती वर्स ऑफ DIY बैटल्स में, ओनली ऑन क्लासमेट इंटरएक्टिव प्रेजेंट्स इमेजिन दैट, को पावर्ड बाय डिज्नी बायजूस ओनली लर्न ऐप। अब पानी डालते हैं, ठीक है? पानी। Let's do this. थोड़े से फिनिशिंग टचेस। आपने कभी ऐसा बूमबॉक्स देखा है? नहीं। नहीं? क्रिएटिविटी ऑन टिश्यू, पेपर के साथ कोई इश्यू? अरे ब्रो दिखाता हूँ, ये देखो। हाँ। देख रहे हो ना? हाँ। अरे यार पानी में क्यों डाल रहा है, इसमें पानी है, देखा तूने, पानी है इसमें। अरे भैया आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या? लाइफ बिगेन इन वॉटर। अच्छा फिर भी तू पानी में क्यों डाल रहा है? अरे देखो ना, रेडी? हाँ चल। एंड डू यू सी, इसमें कलर्स आ रहे। Wow, dude, look at that. Yeah, tell me, ये कैसे किया तूने? कैसे किया? अच्छा bro, दिखाता हूँ, एक second. अब bro, सबसे पहले तो मैंने एक napkin लिया, ठीक है? फिर उसे मैंने half में fold किया, okay? फिर ऊपर black marker के साथ में मैंने एक boombox draw कर लिया, और आप ये जानते नहीं हो, अंदर मैंने इसे color कर दिया था using colorful markers, और इसे जब हम पानी में dip करते हैं, तो colors ऊपर seep हो जाते हैं। Done. वेरी गुड, है ना? बहुत मजा आया। अब ये हो गया रेट्रो, है ना? पुरानी चीजों को देखो हमने कैसे वापस लाया है हमारी लाइफ में। रेट्रो, है ना? मेरे पास एक ऐसी पुरानी चीज है जिसके अंदर हम लोग नई जान डाल सकते हैं। क्या बात कर रही हो? क्या 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 क्या? मेरे मम्मी पापा की वेडिंग की फोटो रील्स। ग्रेट आइडिया, लेकिन वो थोड़े से प्राइवेट मेमोरीज में हो जाएंगे। उसी मेमोरीज को वापस याद दिलाने के लिए उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पे गिफ्ट देना चाहती हूँ मैं। वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। लेकिन उसमें मुझे आप दोनों की हेल्प चाहिए। सिम, या ब्रो? ब्रो, श्वेता, देयर इज एन आइडिया व्हिच इज अलाइव एंड किकिंग इन माय ब्रेन। क्यों ना हम फोटो रील्स के साथ बना दे एक एपिक लैंप दैट यू कैन गिफ्ट देम ऑन देयर स्पेशल डे। यस, ये ले भैया रील्स। सबसे पहले आइडिया को स्केच कर लेते हैं, ठीक है भैया? ये क्लासमेट की इंटरएक्टिव एआर नोटबुक्स है ना? दैट्स राइट, ये वर्चुअल लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए बेस्ट है। इसके अंदर एआर का फीचर है, हाउ कूल इज दैट? आई विल डेफिनेटली गेट देम, है ना? तो ब्रो सबसे पहले हमारे पास में कोई मेटल रॉड होगी, विल दिस वर्क? आई थिंक दिस इज परफेक्ट, देयर यू गो। इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो जो हमारी रॉड है वो है 7 inches की, तो एक काम करते हैं, जो हमारे रील के स्ट्रिप्स है वो 40 centimeters से एक एक सेंटीमीटर कम करते हुए जाएंगे, और ऐसे हम 20 pieces कट कर लेंगे। चलो अब हम इसे कट करते हैं। तो कट करने के लिए ब्रो मुझे दे दो एक कटर। शॉप। तो चलो अब हम इसे मेजर करते हैं। आप इधर से ऐसे पकड़ लो इसे, okay. 40 पर, एंड अब हम इसे कट करते हैं। नाइस। सिम, ये जो फिल्म्स हम यूज कर रहे हैं वो हाईली इनफ्लेमेबल है, फिर हम इसे लैंप में क्यों यूज कर रहे हैं? अगर आप टंगस्टन जैसा बल्ब यूज करोगे तो काफी हीट जनरेट करता है। हम यूज करेंगे LED स्ट्रिप्स जो ऑलमोस्ट 0 हीट प्रोड्यूस करता है। ओके okay. अगर आप कोई भी इनफ्लेमेबल चीज या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, देन ऑलवेज मेक श्योर कि आपके साथ कोई अडल्ट हो। डन। हम इस रील के दोनों साइड्स पर एक होल पंचर करेंगे, हाँ. जिसके अंदर हम इस रॉड को फिक्स करेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, एक सिंपल सा स्टेंसिल बना लेते हैं ताकि हमारी जो पोजीशनिंग है ना होल्स की वो साथ में हो जाए। इसके सेंटर में होल पंच कर लेते हैं, ठीक है?
तो ब्रो हम दो दो यूज करते हैं। तीन कर लेना फिट हो जाएगा। चल ट्राई करते हैं। ओ ये तो जा रहा है। एंड हो गया ना? यस। एंड ऐसे ही दूसरे साइड पर भी कर देते हैं। इसका एज लाइन करते हैं ऐसे। बहुत जरूरी है। इसके स्टेंसिल को प्लेस करते हैं। तो ये दोनों हो गए। एंड ऐसे ही हम बाकी के पीसेस में भी होल कर देंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज रियली इजी। ये जो रॉड है हम इसके अंदर सबसे पहले सबसे छोटे पीस को प्लेस करेंगे एंड इंक्रीमेंट करते 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 लास्ट वाला बड़ा आएगा। गुड। जो फिल्म का ग्लॉसी पार्ट है वो हम बाहर की तरफ रखेंगे। हाँ एंड लास्ट वाला वेल डन है ना। अब ये बाहर गिर सकता है तो इसे कैप करना चाहिए है ना। तो उसके लिए हम यूज करेंगे नट। ठीक है। अब ब्रो हम इसके ना डायरेक्टली एलईडी स्ट्रिप अटैच नहीं कर सकते क्योंकि जो एलईडी स्ट्रिप होती है ना वो थोड़ी सी बल्की होती है। हाँ। है ना। तो वो इसके ऊपर अच्छे से लिपटी नहीं जाएगी। तो एक काम करते एक सिंपल सा बॉक्स बनाते जी सनबोर्ड के साथ में। हाँ। और उसे इसके बीच में डाल देते। अब हम इसे चिपका देते एंड डन। अब हम इसे कलर कर देते हैं। ठीक है रेडी डन। नाइस है ना। एंड इसे अंदर प्लेस कर देते यहाँ ऐसे। अब जैसे हमने ये रील्स को इधर अंदर डाला था वैसे ही जो जहां हमने दूसरी जगह होल किया है हम उसे भी यहाँ डाल देंगे। हाँ। हम इस पर भी नट फिट कर देंगे। एंड ये हो गया रेडी। ये देखो हे दैट्स प्रीटी कूल। अब इसे शेल इफेक्ट देने के पहले इस पर एलईडी स्ट्रिप अटैच कर देंगे। गुड आइडिया। तो गाइस जब आप एलईडी स्ट्रिप कट कर रहे हो तो यहाँ पर एक कॉपर लाइन दी होती है हमें उसके ऊपर से कट करना होता है ताकि सर्किट टूटे ना। अब इस एलईडी स्ट्रिप के पीछे ऑलरेडी ग्लू लगा हुआ है तो हम इसे चिपका देते हैं राउंड एंड राउंड। एंड ये हो गया रेडी। अब इस पर शेल की डिजाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला रील लेते हैं एंड उससे थोड़े बड़े वाले पे इसे प्लेस करते हैं ऐसे। एंड इसके एजेस पर हम एक एक ड्रॉप गिरा देंगे इसे। बस इसे पकड़ते हैं यहाँ ऐसे एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रिप। तो अब जो इससे बड़ी स्ट्रिप है हम उसे पुल करेंगे ऊपर यहाँ पर एंड सिमिलरली चिपका देंगे ऐसे। ये हो गया रेडी। लुक एट दैट। लुक एट द शेप यार अमेजिंग। और सारी जो फोटोग्राफ्स है दे सो क्लियर। यस लेट्स सी इट इन एक्शन। या लेट्स डू दैट। लेट्स रेडी 3 2 1 लाइट्स। ओह दिस इज अमेजिंग। थैंक यू भैया है ना। शेडिंग सम लाइट ऑन लवली मेमोरीज।